उत्तर प्रदेश में खेला हो, उत्तर प्रदेश से खेला हो। गली गली, चौक चौराहों पर, शहरों की दीवारों पर, उत्तर प्रदेश के सियासी पर्दे पर नई पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हो गया। बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश। सियासी फिल्म का शीर्षक है खेला होई। যতদিন বাজবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাজবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো। 2022 এ উত্তর প্রদেশে খেলা হবে, উত্তর প্রদেশ মে খেলা হোগা স্লোগান, এই ভাইরাল স্লোগান, জনপ্রিয়তা স্লোগান, দেবাংশু ভট্টাচার্যর যে স্লোগান, উত্তর প্রদেশে এবার চলবে বিভিন্ন জায়গায়, দেওয়ালে হোর্ডিংয়ে লিখা হচ্ছে 2022 উত্তর প্রদেশ মে খেলা হোগা। চলুন সেই ভিডিও দেখুন, আপনার মতামত কমেন্টে জানান। इसका मुहूर्त वाराणसी और कानपुर में हुआ। स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी, डायलॉग बंगाल से उधार लिया। यूपी में अब खेला होबे, फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होई में परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल भावना वही है। 2021 में बंगाल में जैसे टीएमसी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, वैसे ही 2022 में बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी खेला कर देगी। अब समय आ रहा है जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर, और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सियासी फिल्म के मुख्य किरदार में अखिलेश यादव है, सह कलाकार एसपी के कार्यकर्ता है, और गेस्ट अपीयरेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सियासी फिल्म 2022 में रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर से समझिए जंग जबरदस्त है। वाराणसी और कानपुर से आई इन तस्वीरों से पूरी खबर को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की दीवारों पर यही लिखा हुआ मिलेगा, 2022 में खेला होई। इस सियासी नारे पर एसपी के पूर्व विधायक अब्दुल समद ने पूरी बात विस्तार से समझाई। ये हमने स्लोगन लिखवाया है समाजवादी पार्टी की उम्मीद की साइकिल, जो एक गरीबों कमजोरों मजलूमों में एक विश्वास जगाता है, और एक स्लोगन लिखवाया है जो आज की डेट में भारत में प्रसिद्ध हो गया है और बंगाल में प्रमाणित हो गया है, जिसका नाम है खेला होई। इसको जनता बड़ी तादाद में भी पसंद कर रही है, और जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल रहा है जनता त्रस्त रही है, महंगाई की मार, कोरोना की मार। वाराणसी की दीवारों पर खेला होई लिखा गया तो कानपुर में होर्डिंग लगवाई गई। अखिलेश यादव की अगुवाई में तलवार भांज रहे सैनिकों ने यही कहा, 2022 में भैया विरोधियों पर 22 पड़ेंगे, क्योंकि यूपी में खेला होई। ये हम इसलिए है क्योंकि यूपी में निश्चित ही अब खेला होने वाला है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय, लोगों के प्रति अमर्यादित भाषा और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने वाली बात करी थी, तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया। और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला, केवल विपक्ष तो है ही है लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। बंगाल में नारा ममता जी ने दिया, वो पास हो गई। तो जो बंगाल में स्थिति थी, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार नहीं है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, इन्हीं को नारा बना करके तो भाजपा सत्ता में आई थी। अब जब वो नहीं पूरे कर पा रही है तो समाजवादी पार्टी नए नारों के साथ आ रही है। देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, बंगाल में तो बहुत सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में 50+ नहीं होने जा रहे हैं।